हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो मैग्नेटिज्म का सेकंड पार्ट है। आपने मेरे मैग्नेटिज्म का फर्स्ट वीडियो यदि देखा होगा तो मैंने अपने मैग्नेटिज्म के फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट मैग्नेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ कैसे बिहेवियर करता है, बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट के कितने पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या नाम है, सब बेसिक फंडामेंटल मैंने क्लियर किया है। सेकंड पार्ट का जो आप लेक्चर आप जो देख रहे हैं वो कम्प्लीटली कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड है। क्लियर, आपने कूलॉम्स लॉ का स्टडी एक बार इलेक्ट्रिसिटी के भी चैप्टर में किया है तो एक तरह से एक रिविजन टॉपिक है जिसको मैग्नेटिज्म पर पढ़ेंगे। नाउ आवर चैप्टर इज मैग्नेटिज्म सेकेंड पार्ट, मैग्नेटिज्म सेकेंड पार्ट एंड आवर टॉपिक इज कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स मतलब ये जो हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे वो किसके लिए है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। हमने इसके पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए पढ़ा हुआ है। क्लियर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलॉम्स लॉ पता होगा या जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं उसको कम्प्लीटली मैच करता है, वो ये है कि सपोज वी हैव टू चार्जेस एंड देन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज बिटवीन देम, ये आपने चार्जेस के लिए पढ़ा। हम उसी को यहाँ पर पढ़ेंगे किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं उनका स्टेटमेंट कि उन्होंने क्या स्टेट किया। स्टेटमेंट वर्ड वर्ड आप स्टेटमेंट लिखेंगे जैसा कूलॉम्स ने बताया था। ये मैं आपको मैथमेटिकली बताऊं आपको। देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक पोल्स ही अपन कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले बार मैग्नेट के बजाय, ठीक है, टू सेपरेट मतलब एक ही मैग्नेट के टू पोल्स हैं। सपोज ये M1 एक पोल है और ये M2, ये लाइक भी हो सकते हैं अनलाइक भी हो सकते हैं, अभी हमने उसको कंसीडर नहीं किया है, जो भी हो सकता है। और इनके बीच का डिस्टेंस को हमने सपोज किया, सपोज R इनके बीच का डिस्टेंस है और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है सपोज वो F है, या अट्रैक्शन भी हो सकता है रिपल्सन भी हो सकता है। तो कूलॉम ने क्या बताया, द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। इनका पहला स्टेटमेंट क्या है, इनका पहला स्टेटमेंट है कि दोनों पोल के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, यदि वो लाइक पोल्स होंगे तो रिपल्सन होगा और अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू पोल इज directly proportional to product of their pole strength, and second statement is F inversely proportional of R square, that means दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है, वो inversely proportional होता है। तो यह है कूलॉम्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ या मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो रूल है उसके टू स्टेटमेंट, जिसको हम एक साथ कंबाइन करके बोलें इसके स्टेटमेंट में तो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन आर रिपल्सन फोर्सेस बिटवीन टू पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर, अब ये दोनों रूल्स को यदि हम कंबाइन कर दें तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई, दैट इंप्लाइज F इक्वल, यहाँ पर हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं जो कि K है, K को हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया, तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के बाद इक्वल लिख लेंगे, ये हो जाएगा M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, अब ये जो कांस्टेंट है
उसका वैल्यू कुलाम ने जो इसका वैल्यू दिया वो दिया, सबसे पहले हम सीजीएस के लिए, फॉर सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ने कुलाम के वैल्यू को 1 दिया, द वैल्यू कांस्टेंट के वैल्यू को 1 दिया। देयरफॉर ये फोर्स आएगा एफ इक्वल टू, इसका वैल्यू 1 पुट कर दें, ये हो जाएगा एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर डाइन। ये फोर्स जो निकला ये क्या है, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एंड फॉर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में कुलाम ने बताया कि के का जो वैल्यू होता है म्यू अपॉन 4π होता है, म्यू अपॉन 4π। और यहाँ पर म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। हियर म्यू इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। बट आगे उन्होंने बताया कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहां पर आप देखिए ये जो म्यू नॉट है वो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एयर आर वैक्यूम है, और म्यू आर क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एनी रिलेटिव मीडियम। मतलब जो एयर आर वैक्यूम के रिलेटिव मीडियम है उसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी है, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह मैग्नेटिक परमिबिलिटी के इक्वल होता है। बट फॉर एयर आर वैक्यूम, यदि हम एयर या वैक्यूम के बारे में बात करें तो वहां पर म्यू आर का जो वैल्यू होता है, म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि के का वैल्यू कुलाम ने क्या दिया, फिर म्यू का वैल्यू कितना होता है, फिर एयर आर वैक्यूम के लिए हम बात करें तो म्यू आर का वैल्यू कितना होता है, 1। इस 1 वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिया जाए तो देयरफॉर अपने को मिलेगा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। देयरफॉर अब यहाँ म्यू का वैल्यू को हम म्यू नॉट पुट कर दें तो के का वैल्यू अपने को मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 10⁻⁷। ये आप याद रखेंगे, यदि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो जो म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू आप पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, 10⁻⁷। नाउ पुट अप द वैल्यू आपके इन दिस इक्वेशन, आवर इक्वेशन इज एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, एसआई यूनिट में है। आगे हम इसको चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, आर एफ इक्वल टू 10⁻⁷ एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू मैंने क्या बताया आपको, 10⁻⁷। तो ये फाइनल इक्वेशन होता है कुलाम्स लॉ से टू पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। अब इसके बेस पर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट पोल। देखिए यूनिट पोल का डेफिनेशन या इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के बेस पर यूनिट पोल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये आप जो फाइनल इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर हम कंसिडर कर लें, इफ एफ इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन, हमने सपोज कर लिया कि दोनों पोल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 10⁻⁷ है, और दोनों पोल एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम सपोज कर लिया, दैट मीन दे आर इक्वल एंड लाइक पोल, इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड दे आर लाइक, दैट मीन्स बोथ आर आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दे आर लाइक पोल, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल टू 1 मीटर। ये हमने 1 मीटर सपोज कर लिया। ये कंडीशन यदि हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो देयरफॉर 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁷ एम इंटू एम अपॉन 1, ये अपने को मिलेगा। देयरफॉर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एम स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर एम इक्वल टू ±1, ये हो गया पोल स्ट्रेंथ यूनिट। तो ये यूनिट पोल का कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कुलाम। कुलाम के अकॉर्डिंग यदि हम यूनिट पोल की बात करें तो इस तरह के कंडीशन में हमको यूनिट पोल मिलता है।
अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट कूलम्स लॉ एंड डिफाइन यूनिट पोल बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, तो क्या कहेंगे आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन हमने लगाया है ये कंडीशन को हम बोलेंगे, ये थ्री कंडीशन है अपने पास, और इसमें एक फोर्थ कंडीशन है कि ये पोल कहाँ है, एयर आर वैक्यूम में है, क्योंकि हमने यहाँ पर म्यू नॉट अपन फोर पाई का जो कांस्टेंट यूज किया है वो ओनली फॉर एयर आर वैक्यूम है, नॉट एनी मीडियम। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट पोल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए इफ टू इक्वल एंड लाइक पोल्स, ये है इक्वल एंड लाइक पोल्स, इफ टू इक्वल एंड लाइक पोल्स केप्ट वन मीटर अपार्ट इन एयर आर वैक्यूम एंड दे रिपल टू ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ 10^-7 न्यूटन देन द पोल्स आर कॉल्ड यूनिट पोल। दैट मीन्स यदि दो पोल इक्वल एंड लाइक पोल, यदि दो इक्वल एंड लाइक पोल एयर आर वैक्यूम में वन मीटर डिस्टेंस अपार्ट पर रखे हुए हैं, सपोज ये मेरे टू मार्कर्स को आप इमेजिन कर लीजिए कि टू पोल्स हैं, ये वन मीटर डिस्टेंस अपार्ट में रखे हैं, ये इक्वल एंड लाइक पोल्स हैं और एयर आर वैक्यूम में रखे हैं, तो ये दोनों पोल यदि एक दूसरे को 10^-7 न्यूटन के फोर्स से रिपल करे, दे आर रिपल टू ईच अदर, वाई रिपल, बिकॉज दे आर इक्वल एंड लाइक पोल्स, दोनों क्या है लाइक पोल्स हैं, तो लाइक पोल्स होने के कारण क्या करेंगे रिपल करेंगे, ये क्या कहलाते हैं यूनिट पोल कहलाते हैं। ये हमारा होता है कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्सेस, क्लियर, और उसके बेस पर यूनिट पोल का डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये जो पोल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं उसके किस किस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के नाम से ही क्लियर है कि जहां तक क्या होता है मैग्नेट का इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आप इमेजिन करिए कि हमने यहां पर एक ये कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है, सपोज ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, अब जब हम इस बार मैग्नेट को कहीं रखेंगे तो इसके सराउंडिंग में कुछ एरिया तक इसके मैग्नेट का इफेक्ट होगा, जहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लू बॉर्डर लाइन यहाँ पर ड्रा किया है, आप इमेजिन करिए कि इसके अंदर ही इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है, यदि लाइन से हम बाहर जाएं तो इस मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं है, दैट मीन्स दिस फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक मैग्नेट का इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्लियर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है, वो है यूनिट नॉर्थ पोल। ये यूनिट नॉर्थ पोल क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम सेपरेट पोल फाइंड नहीं कर सकते, हमने आपको बताया था कि हम मैग्नेट के सेपरेट पोल फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिट नॉर्थ पोल, दैट मीन्स नॉर्थ टाइप का पोल, दैट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ आर बिहेवियर, देयरफॉर यूनिट नॉर्थ पोल इज ए इमेजिनरी पोल, ये एक इमेजिनरी पोल है, आप ध्यान रखना ये इमेजिनरी पोल है, और इमेजिनरी पोल मतलब हमने इसको इमेजिन किया है, और इसको बोला जाता है टेस्ट पोल। एक्चुअल में ये एक कन्वेंशन है, ये माना गया चीज है कि हमने यूनिट नॉर्थ पोल मतलब ऐसा पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ यूनिट हो और वो नॉर्थ टाइप का हो, मतलब यूनिट पोल यूनिट स्ट्रेंथ का जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम यूनिट नॉर्थ पोल कहते हैं, दैट इज इमेजिनरी क्योंकि हमने इसको इमेजिन किया है, प्रैक्टिकल ये होता नहीं, और ये टेस्ट पोल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम इसके बेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना, यूनिट नॉर्थ पोल इज कॉल्ड इमेजिनरी पोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या मान के चलते हैं, इमेजिनरी चार्ज मान के चलते हैं, वैसे यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल को ये मान के चलते हैं।
अब यहां पर देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं हमेशा ये कहता हूं यदि किसी स्टूडेंट को इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्लियर है तो आगे चैप्टर में कुछ नहीं समझेगा। इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए कि इंटेंसिटी होता क्या है। क्लियर? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, सपोज आप इमेजिन करिए कि हमने यहाँ पर एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ का नॉर्थ पोल इमेजिन किया, दैट मीन्स टेस्ट पोल इमेजिन किया। हम इमेजिन करते हैं कि सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में एक टेस्ट पोल रखा हुआ है जो मैंने बताया। अब यहाँ पर जब टेस्ट पोल आप रखेंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ टाइप का पोल है और नॉर्थ पोल क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, देखिए एक बात मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप इंटेंसिटी को बहुत अच्छे से समझ जाइए। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो स्टूडेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटी को अच्छे से समझता है उसको फिर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए मैं बहुत आपको पढ़ाते हुए इस बात के लिए अलर्ट भी कर रहा हूं कि आप इसको ध्यान से समझिए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रिएट किया है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो टेस्ट पोल है, मतलब यूनिट नॉर्थ पोल है, ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब उस पर जितना फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स हमको कूलम्स लॉ से अभी हमने पढ़ा है कि एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। अब सपोज यहाँ पर हम इस पोल को, सेकंड नंबर के पोल को हम क्या सपोज कर लें, यूनिट नॉर्थ पोल सपोज कर लें। क्लियर? तो उस टाइम में फिर ये हमारा फोर्स का फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब यहाँ सिंगल एम बचा तो उसको हम एम लिख देते हैं, एम अपॉन आर स्क्वेयर, ये लिख दिया। अब इस टाइम में ये जो फोर्स है इसको हम फोर्स ना कह के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं किसे, कैपिटल बी से। दैट मीन्स यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ए फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट पोल। थोड़ा मेरी बातों को ध्यान समझिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्चुअल में फोर्स ही है, लेकिन कैसा फोर्स है, जो यूनिट नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस करता है। किसी ऑर्डिनरी पोल पर यदि फोर्स लगेगा तो हम उसको फोर्स कहेंगे, लेकिन यही फोर्स यदि क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल पर लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? अब इस फार्मूला को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर। दैट इम्प्लाइज, आप देखिए सपोज मैं दोनों साइड, अब इसको आप कैंसिल मान के चलिए ना, बी इक्वल टू इतना होता है, ये मैं इसको इरेज कर दिया यहाँ से, तो इसको बी का फार्मूला होता है। दोनों साइड सपोज मैं एक और पोल का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर एम बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, अब देखें यहाँ पर फिर दो पोल हो गए, अब इसमें कोई पोल यूनिट नहीं है, एम वन भी एम है, एम टू भी एम है, तब हम उसको फिर क्या कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये। और यही हम बार बार बोल रहे हैं, इफ एम इक्वल टू वन देन बी इक्वल टू एफ। ये डेफिनेशन में हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिट पोल पर जितना फोर्स लगता है वही क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, और एफ इक्वल टू एम बी होता है। इस फार्मूला का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत जगह यूज हो गया फार्मूला, फोर्स इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप एक चीज आप देख रहे होगे, ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। वहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़े हैं, वहां पर पढ़े इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंपेरेटिवली पढ़े तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। कूलम्स लॉ वैसे ही है, आपको 50% टॉपिक एज इट इज सेम टू सेम वैसे मिलेंगे। क्लियर? तो आप मैग्नेटिक का जो पूरा प्रॉपर्टी है उसको इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर स्टडी कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, हम एक बार मैग्नेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। इसके लिए हम इसका फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी फर्स्ट इज एक्सियल पोजिशन। एक्सियल पोजिशन मतलब एक्सिस पर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये अपना कोई बार मैग्नेट है, ये हमने कंसीडर किया कि ये बार मैग्नेट है, क्लियर। इस बार मैग्नेट का ये एक्सिस है, इस एक्सिस में ये सपोज हमने इसको नॉर्थ पोल लिया, ये इसका साउथ पोल, ये इसका इफेक्टिव लेंथ को हमने ले लिया 12, और ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है O। तो यहाँ से हाफ, ये हाफ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और ये एक्सिस है, एक्सिस का कोई पॉइंट P है। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट P है यहीं पर हमको क्या करना है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इसीलिए क्या है, ये एक्सियल पोजिशन कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे इसको गॉस ए पोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, गॉसेस ए पोजिशन। गॉस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको गॉस ए पोजिशन भी कहा जाता है, क्लियर। कभी एग्जाम में आपको गॉस ए पोजिशन कहता है समझ जाना, वो एक्सियल पोजिशन है। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब इसके न्यूट्रल पॉइंट से पी तक के डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया क्या, आर। ये आर सपोज कर लिया। अब इस पी पॉइंट पर क्या रखा हमने, इमेजिन किया टेस्ट पोल, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, टेस्ट पोल इमेजिन करते हैं। तो टेस्ट पोल इमेजिन करते हैं, तो ये टेस्ट पोल जो यहाँ रखा है वो नॉर्थ टाइप का है, तो साउथ पोल क्या करेगा, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन डायरेक्शन मैंने बताया, और ये इंटेंसिटी है सपोज बी एस। एस मतलब वो क्या होगा, ड्यू टू साउथ पोल, और नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, इसको हमने लिख लिया बी एन। मतलब ये और वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमने क्या लिया, वेक्टर साइन लगा दिया, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर हम दोनों का बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटेंसिटी के फार्मूला से, देयरफॉर बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस पी और ये साउथ पोल, यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस पी स्क्वेयर, एंड डायरेक्शन इज पी टू एस, तो P से S यहां पर डायरेक्शन लगा देंगे, क्लियर। दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, अब SP का वैल्यू आप ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का वैल्यू R है, और ये डिस्टेंस क्या है, L है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L, तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले अपन BS निकालेंगे। नाउ BN इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्या है, N से P के बीच का डिस्टेंस है, तो हो जाएगा एन पी स्क्वायर, एंड इस डायरेक्शन इज दिस, मतलब N टू P, इसका डायरेक्शन है N से P के तरफ है, एन पी हो जाएगा। दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, यहाँ पर एन पी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं फिगर में, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये एल होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर, तो आर प्लस एल, क्लियर। ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, रिलेशन नंबर सेकेंड। अब हम निकालेंगे दोनों के बीच का रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज बी। बी सपोज इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी एस और बी एन, तो बी एस और बी एन यहाँ पर एक दूसरे से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे। तो नेचुरली देखिए यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू क्या है, बी एस है। बी एस क्यों ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर
इसके डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। और किसी भी रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसका ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ड्यू टू साउथ पोल फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है। तो कुलाम ने बताया था कि फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी एस में माइनस करेंगे किसका, बी एन का। यहाँ हम रीजन भी बता देंगे कि बी एस इज ग्रेटर देन बी एन क्योंकि बी एस बी एन से बड़ा है। अब इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं, दैट इक्वल, तो कॉमन वैल्यू में बाहर कर लिया, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एंड एम इज कॉमन, यहाँ हो जाएगा वन अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम। यहाँ पर हम इसका एलसीएम कर लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसका दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं देखिए किस तरह से, दैट इंप्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। यहाँ पर आप ध्यान देना, एलजेब्रा का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, फोर ए बी, क्लियर। ये एलजेब्रा का एक फार्मूला है, तो हो जाएगा फोर आर एल, क्लियर, और अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, इसको टू को, अच्छा एम बाहर है ना इसका, एम ये एम बाहर है, तो टू एम एल को मैं एक साथ ले लिया और ये बचा हुआ टू है टू आर, ये हमने अलग से ले लिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया आप समझ रहे होंगे, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, टू एम एल क्या होता है कैपिटल एम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये कैपिटल एम हो जाएगा, तो टू एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला। बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम आर अपॉन एम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड इफ, यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ फॉर शार्ट मैग्नेट, शार्ट मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेट हमारा क्या हो, छोटा हो, तो शार्ट मैग्नेट के लिए आर क्या है, ये वेरी लेस देन एल, वेरी लेस देन आर होता है, मतलब टू एल इज वेरी लेस देन आर, मतलब इसका जो इफेक्टिव लेंथ है, ये जो मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ है वो आर के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। उस कंडीशन में हम क्या है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और इसको हम यदि नेग्लिजिबल मान लें तो क्या मिल जाएगा अपने को, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, देखिए r टू दी पावर 4 होगा, एक r के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा 2m अपॉन r क्यूब, ये होता है फॉर शार्ट मैग्नेट, क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन में इतना होता है, ये इसका फाइनल इक्वेशन है, ये किसके लिए है, शार्ट मैग्नेट के लिए। इसी तरह से हम अब कैलकुलेट करेंगे इसके इक्वेटोरियल पोजीशन को, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब इसका न्यूट्रल एक्सिस पोजीशन, तो सेकंड कैलकुलेशन इज इक्वेटोरियल पोजीशन, देखिए ये कैलकुलेशन आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है, इसलिए एक तरह से रिविजन टॉपिक है, दोनों को आप कंपेरेटिव पढ़िए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे। सेकंड इज इक्विटोरियल पोजीशन, इसको बोलते हैं गास बी पोजीशन, गासेस बी पोजीशन भी कहा जाता है, बी इसको ब्राड साइड एंड पोजीशन भी बोला जाता है, क्लियर।
इसका फिगर किस तरह से बनेगा देखिए, ये हमने एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इसका एक्सिस है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और इसका इफेक्टिव लेंथ को हमने ले लिया क्या 12। अब इसमें क्या है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, और वो जो पॉइंट जहाँ पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है वो इसके न्यूट्रल एक्सिस में है, यहाँ पर इस डिस्टेंस को हमने ले लिया सपोज आर। क्लियर? तो ये कहलाता है इक्विटोरियल पोजिशन, दैट मीन्स पोजिशन ऑन न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर जो पोजिशन होता है उस पोजिशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पर किस किस तरह से फोर्स लेंगे देखिए, यहाँ पर पी पॉइंट है, नॉर्थ पोल है, वो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल किया। साउथ ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट हो गया। ये एंगल सपोज थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, इक्वल साइड्स हैं। और यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है ये जो है वो है ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो हमने बी एन कह दिया, ये साउथ पोल बी एस, और ये इसका रिजल्टेंट है बी, मतलब बी एन एंड बी एस दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये बी है, और बी एन और बी एस के बीच का जो एंगल है वो टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये सम ऑफ टू स्टेरियर एंगल होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेरियर एंगल का सम थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, टू थीटा। इस तरह से हम इस फिगर के बेस पर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी एस, बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस, तो हो जाएगा पी एस स्क्वेयर, ये दे दो आप रिलेशन नंबर फर्स्ट, और इसका डायरेक्शन है क्या, पी टू एस, ये हो जाएगा पी टू एस। एंड बी एन इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, ये क्या हो जाएगा, पी एन, तो पी एन स्क्वेयर रिलेशन नंबर सेकंड, एंड इट्स डायरेक्शन इज एन टू पी, रिपल हो रहा है ये, एन टू पी। क्लियर? अब यहाँ पर रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो देयर फोर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देयर फोर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी इक्वल टू, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम लॉ का एक फार्मूला यूज होगा, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा है, ध्यान होगा कि टू वेक्टर्स, ये सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ये बी है, और दोनों के बीच के एंगल थीटा है, और सपोज ए इक्वल टू बी हो, मतलब दोनों वेक्टर क्या हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, ये जो रिजल्टेंट होता है आर, वो टू ए कॉस थीटा बाई टू होता है, टू ए कॉस थीटा बाई टू, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को यहाँ पर मैं यूज़ करूँ तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताने के पहले हम ये बता सकते हैं, देखो कि ये दोनों, पहले हम ये बता दें, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को आप देखो, यहाँ पर पी एस पी एन की इक्वल है, पी एस इक्वल टू पी एन, फिगर में देखिए ये पी एस है और पी एन है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अब आप दोनों रिलेशन को देखो, तो दोनों रिलेशन में आप क्या देखोगे कि ये रिलेशन ये वैल्यू के इक्वल हो गया, दोनों वैल्यू इक्वल हो गए, तो जो बचे हुए वैल्यू हैं तो पहले से इक्वल हैं, तो सब के सब इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा बी एस इक्वल टू बी एन। इस तरह से हमने यहाँ पर ये बता दिया कि ए इक्वल टू बी वाला कंडीशन बता दिया, इसलिए हम रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, या डायरेक्ट एक बार अब मैं इस वैल्यू में लिख दूं, टू बी एस आर बी एन इन टू कास, और यहाँ दोनों के बीच के एंगल कितना है, टू थीटा, तो आएगा कास टू थीटा बाई टू। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैं इरेज कर देता हूँ, फार्मूला आपने मेमोराइज करने के लिए इसको आपको बताया था, आपको रिवाइज कर दिया, इसको 11th क्लास का टॉपिक है। अब यहाँ पर हम बी एस का वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, किसका वैल्यू, बी एस का वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, टू को पहले लिख दें, टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये बी एस का वैल्यू, एम अपॉन पी एस स्क्वेयर, एम अपॉन, तो यहाँ पर पी एस का वैल्यू कितना है, आप देखिए पी एस का वैल्यू, ये फिगर से देखो,
ये पी एस, तो ये वैल्यू आर है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है एल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर दें तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू यहाँ पर कास टू थीटा बाई टू में टू टू कैंसिल होगा तो कास थीटा होगा, और ये देखिए ये कास थीटा है तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स एल अपॉन दिस, तो हो जाएगा एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम यदि सॉल्व करें तो आगे क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम एल को एक साथ आप लिख लो और अपॉन इसका पावर वन इसका पावर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा थ्री बाई टू, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये हो जाएगा कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट और इक्वल ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर थ्री बाई टू, ये होता है फाइनल इक्वेशन मैग्नेटिक मोमेंट का। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन अप्लाई कर दें, कौन सा कंडीशन जो भी लगाए थे, इफ 2L इज वेरी लेस देन R दैट मीन्स शार्ट मैग्नेट, इसको हम शार्ट मैग्नेट कहते हैं, देयरफॉर ये फार्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो पावर टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे होंगे कि इसके पहले मैंने भी जो फार्मूला डिराइव किया उस फार्मूला में हमने एक्सियल पोजिशन के लिए जो फार्मूला निकाला था उसमें टू मल्टीप्लाई था, यहाँ पर टू नहीं है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट आप ध्यान में रखेंगे फॉर शार्ट मैग्नेट, फॉर शार्ट मैग्नेट क्या बी एक्सियल पोजिशन इज, बी एक्सियल पोजिशन इज टू टाइम्स ऑफ बी इक्विटोरियल पोजिशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपको कभी भी न्यूमेरिकल में कंप्यूटर एग्जाम में काम आएगा। क्या बताया मैंने कि एक्सियल पोजिशन का जो इंटेंसिटी होता है फॉर शार्ट मैग्नेट ना, नॉट फॉर ऑल कंडीशन, फॉर शार्ट मैग्नेट, तो शार्ट मैग्नेट के लिए एक्सियल पोजिशन का जो इंटेंसिटी होता है वह इक्वेटोरियल पोजिशन का क्या होता है टू टाइम्स होता है। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के अपने इस क्लास में आपको पढ़ाया, कूलम्स लॉ एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फॉर ए बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजिशन एंड इक्वेटोरियल पोजिशन। तो ये आप रिवाइज करिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको रिविजन करने के बाद एक दो बार आप लिख के देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।